लंका में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा लंका संवाद सूत्र रथ स्थल ये प्रपश्यंती न तेषा जायते विपद। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र को रथ पर सवारी कराने वालों पर कभी भी विपत्ति नहीं आती। इसी रहस्य को जान लंका में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने एवं मौसीबाड़ी तक पहुंचाने की होड़ सी लगी रही। लोग रथ को छूने एवं धक्का देने के लिए बेताब दिखे। राज परंपरानुसार राज पुरोहित के द्वारा ठाकुरबाड़ी मंदिर स्थित भगवान जगन्नाथ के कक्ष में गुरुवार को राज पुरोहितों के द्वारा विशेष पूजा महाती व महाप्रसाद भोग अर्पित किए गए। तत्पश्चात श्री ठाकुर जी के विघ्न को गाजे बाजे एवं शंख ध्वनि तथा राम नाम संकीर्तन के मध्य नगर परिभ्रमण कराया गया। ठाकुर जी के मंदिर में वापसी यात्रा के पश्चात भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के विघ्न को राज पुरोहितों ने रथासीन कराया। एक बार पुनः रथ पर तीनों विग्रहों का विशेष पूजन एवं महाआरती के पश्चात राजा कुमार गोविंद प्रसाद सिंह ने रथ खींचकर रथ यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कुरिया के पुष्प की भारी वर्षा के बीच जय उद्घोष करते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भगवान के रथ को मौसीबाड़ी पहुँचाया, जहां दर्जन भर से अधिक महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर मंगलवार कलश लिए। सुंदर मंगलवार गीत के मध्य भगवान की आगवानी के तत्पश्चात भगवान को मौसीबाड़ी स्थित चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराकर विशेष पूजन और महाती तथा प्रसाद भोग अर्पित किए गए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भगवान की परिक्रमा कर अपने व अपने परिवार के सुखद भविष्य एवं जीवन की कामना की। पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।